Hey guys, welcome back to a new video. तो guys, इस वीडियो में आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे पोको के M2 की। इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग के साथ एक मिनी रिव्यू भी दूंगा पोको के M2 का और इस स्मार्टफोन का फर्स्ट इंप्रेशन भी दूंगा कि मुझे यह स्मार्टफोन फर्स्ट इंप्रेशन में कैसा लगा। तो guys, ये स्मार्टफोन का जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो मुझे इतना खास तो नहीं लगा, आगे चलकर आपको वीडियो में पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग आपने देख ली होगी, तो अब हम इसके मिनी रिव्यू की बात कर लेते हैं और मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात कर ले इसके बिल्ड और डिज़ाइन की। तो गाइस, इस स्मार्टफोन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाता है। पीछे वाली साइड आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है और उसके नीचे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको फास्ट देखने के लिए मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर। और राइट वाली साइड आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन मिल जाते हैं और उसके साथ पावर बटन मिल जाता है। और नीचे वाली साइड आपको 3.5mm ऑडियो जैक, USB टाइप सी और उसके साथ स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और ऊपर वाली साइड आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है जिससे आप अपने TVs को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको सिम ट्रे देखने के लिए मिल जाती है, इसमें आप दो सिम्स और एक microSD कार्ड का यूज कर सकते हो। तो अगर हम बात करें इसके बिल्ड की, तो इस स्मार्टफोन का जो बिल्ड है वो अब मुझे इतना खास नहीं लगा है। पीछे वाली साइड पूरी की पूरी प्लास्टिक बॉडी यूज की गई है और ये जो प्लास्टिक बॉडी है वो काफी ज्यादा चीप क्वालिटी की है। और अगर आप इसे पहली बार अपने हाथ में पकड़ोगे तो आपको काफी ज्यादा चीप लगेगा। आपको जो इसकी पीछे वाली बॉडी की पूरी क्वालिटी मिलती है वो पूरी की पूरी चीप देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए था। आपको पूरी की पूरी प्लास्टिक बॉडी देखने के लिए मिलती है जो काफी ज्यादा चीप लगती है। तो इसके बाद बात करें इसके डिस्प्ले की, तो ये जो स्मार्टफोन है वो 6.53 इंचेस के एक फुल HD प्लस वाइड डिस्प्ले के साथ आता है। तो आपको 10,000 के अंदर एक फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है पोको की तरफ से। और रेडमी का जो 9 प्राइम है वो भी आपको सेम देखने के लिए मिलता है, स्पेसिफिकेशन भी आपको सेम देखने के लिए मिलती है। बट जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ को सिर्फ इसके रैम स्टोरेज वेरियंट को है। और यहाँ पर आपको पीछे वाली साइड जो सर्कुलर डिजाइन देखने के लिए मिलता था कैमरा का, वो यहाँ पर मिसिंग है। जबकि रेडमी के 9 प्राइम में आपको सर्कुलर कैमरा डिजाइन देखने के लिए मिलता है। बट जो डिस्प्ले है वो आपको दोनों में सेम मिलती है। डिस्प्ले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, काफी अच्छी आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। और उसके बाद बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको मीडियाटेक का G80 वाला प्रोसेसर मिलता है जिसमें आपको जो परफॉर्मेंस होगी वो काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। और इसमें आप जो कॉल ऑफ ड्यूटी है वो काफी अच्छे से प्ले कर सकते हो, आपको मैक्सिमम हाई तक का स्पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और जो इसके फ्रेम रेट है वो आपको मीडियम पर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरह की ग्राफिक सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है कॉल ऑफ ड्यूटी की। तो अब मैं आपको एक बार प्ले भी करके दिखा देता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी का। तो कॉल ऑफ ड्यूटी में आपको जो लैग्स है वो काफी कम देखने के लिए मिलते हैं। मैंने यहाँ पर हाई ग्राफिक्स पर इस गेम को प्ले किया था और इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो, क्योंकि 10,000 के अंदर आपको काफी अच्छा स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके बाद बात करें इसके कैमरास की, तो वीडियो शूट हो रही है पोको M2 के फ्रंट कैमरा से हो रही है। तो यहाँ पर आप डिटेलिंग देख सकते हो आपको किस तरह की पोको M2 के फ्रंट कैमरा की डिटेलिंग देखने के लिए मिलती है। मुझे जो इसकी डिटेलिंग है वो ठीक ठाक सी लगी है, इतनी खास क्वालिटी के साथ आपको वीडियो शूट नहीं मिलती क्योंकि फ्रंट कैमरा जो है वो आपको इतना खास देखने के लिए नहीं मिलता। और यहाँ पर जो साउंड आउटपुट है वो इसके डिफॉल्ट माइक्रोफोन में है जो आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैंने कोई भी अलग से माइक यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पर आप साउंड की आउटपुट देख सकते हो। वीडियो शूट हो रही है वो पोको M2 के रियर कैमरा से हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको किस तरह की यहाँ पर डिटेलिंग देखने के लिए मिलती है और किस तरह के कलर्स मिलते हैं। और जो साउंड आउटपुट है वो इसके बाय डिफॉल्ट माइक्रोफोन से ली जा रही है, तो आप साउंड आउटपुट भी देख सकते हो। एक बार मैं आपको ऑटो फोकस भी चेक करवा देता हूँ। तो ऑटो फोकस काफ़ी अच्छे से इसका काम करता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कैमराज आपको यार पीछे वाली साइड 4 देखने के लिए मिल जाते हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। बट 13 मेगापिक्सल का आपको इसमें रियर कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मिलता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। और फ्रंट वाली साइड सेल्फी के लिए आपको 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है जिससे आप काफ़ी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर सकते हो। तो कैसे स्मार्टफोन का जो फ्रंट कैमरा वो मुझे ठीक ठाक सा लगा है, इतना हाई लेवल वाला आपको फ्रंट कैमरा देखने के लिए नहीं मिलता। जो फ्रंट कैमरा है वो बैकग्राउंड में थोड़ा एक्सपोजर को हाई कर देता है, कुछ लाइट कंडीशन में जो एक्सपोजर है वो थोड़ा ठीक हो जाता है, बट
कुछ लाइट कंडीशन में जो एक्सपोजर है वो थोड़ा हाई हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए जो फ्रंट कैमरा है वो ठीक ठाक है। तो गाइस जो एक्सपोजर हाई वाला इशू है ये पोको फिक्स कर सकता है, तो सॉफ्टवेयर के द्वारा जो ये इशू है वो फिक्स हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके कैमराज आपको ठीक मिल जाते हैं, बट थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होनी चाहिए इसके फ्रंट और रियर कैमरा पर। तो देखते हैं कि पोको कब करता है, बट ओवरऑल देखा जाए तो कैमराज आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाते हैं 10,000 की प्राइस के अंदर। तो अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, बट ये जो स्मार्टफोन है वो 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है, बट आपको जो चार्जर मिलता है वो सिर्फ 10W का ही देखने के लिए मिलता है। अगर आपके पास 18W का कोई चार्जर है तो आप आसानी से इसे फास्ट चार्ज कर सकते हो, काफी अच्छे से ये जो स्मार्टफोन है वो फास्ट चार्ज हो जाएगा। तो जो बैटरी बैकअप है वो आपको इस स्मार्टफोन में काफी अच्छा मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी मिलती है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप अपने स्मार्टफोन को हाई लेवल पर यूज करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जो स्मार्टफोन है वो एक दिन पूरा निकाल देगा। अगर आप हाई यूजेस करते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसके बैटरी बैकअप को, क्योंकि इसमें आपको जो बैटरी बैकअप वो काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके एंड्रॉइड वर्जन की, तो इसमें आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिलता है, जिसमें आपको पोको की यूआई का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि आपको शाओमी की MIUI का सपोर्ट ही देखने के लिए मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको पोको का लॉन्चर देखने के लिए मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको MIUI 12 का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता। आउट ऑफ द बॉक्स आपको MIUI 11 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, बट जो MIUI 12 का सपोर्ट है वो आपको जल्द ही अपडेट के द्वारा देखने के लिए मिल जाएगा पोको के M2 में। जब बारी आती है कि आपको यह स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वैसे 10,000 के अंदर आपको यह काफी अच्छी डील देखने के लिए मिल जाती है। मुझे यह स्मार्टफोन सिर्फ 9,000 रुपए में पड़ा है। अगर आपके पास SBI के डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आप इस स्मार्टफोन को 9,000 रुपए में परचेज कर सकते हो फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज के दौरान, बट फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज जैसे ही खत्म होते हैं तो इसकी जो प्राइस होगी वो आपको 11,000 रुपीज देखने के लिए मिल जाएगी। बट फिर भी अगर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आप आसानी से स्मार्टफोन को 9,000 रुपए में खरीद सकते हो। वैसे ये जो स्मार्टफोन है वो आपको काफी अच्छी डील के साथ देखने के लिए मिलता है, बट थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट करनी चाहिए पोको को। सबसे बड़ी कमी मुझे स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की लगी है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर कवर भी देखने के लिए नहीं मिलता। आउट ऑफ द बॉक्स जो बॉक्स है उसमें आपको कवर देखने के लिए नहीं मिलता, जो बैक कवर आपको मिलता है, तो यहाँ पर पोको को ये देना चाहिए था, क्योंकि यार 7,000 या 8,000 का फोन भी अगर आप परचेज करते हो तो वहां पर आपको बैक कवर देखने के लिए मिल जाता है, जबकि यहाँ पर आपको 10,000 के फोन के अंदर बैक कवर देखने के लिए नहीं मिलता। तो यहाँ पर पोको को ये इंप्रूव करना चाहिए था। और यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ जिसमें आपको कैमराज अब इतने खास देखने के लिए नहीं मिलते, यहाँ पर पोको को थोड़े कैमराज इंप्रूव करने चाहिए। जो फ्रंट कैमरा है उसमें आपको अगर सेल्फीज क्लिक करते हो तो थोड़े हाई एक्सपोजर देखने के लिए मिलते हैं, बट जो बैक कैमरा है वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट के साथ आता है, बट यहाँ पर भी थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। अगर आप कोई भी फोटोज क्लिक करते हो, थोड़ी जूम करते हो, तो वो जो क्वालिटी होती है वो इतनी खास आपको देखने के लिए नहीं मिलती। तो यहाँ पर थोड़े से कैमराज को इंप्रूव करना चाहिए, और इसमें MIUI 12 का अपडेट जल्दी देना चाहिए। तो गाइस ये था पोको M2 का एक मिनी रिव्यू और मेरा फर्स्ट इंप्रेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो स्मार्टफोन के रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल को दबा दीजिए ताकि आप आने वाले अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू।